अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अदनान सईद, 8th क्लास। आज हमने सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स। दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक पेयर्ड टैग्स होते हैं और एक सिंगुलर। यानी पेयर्ड का मतलब होता है जिसमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है टैग पी ए फॉर पैराग्राफ, और ये इस पैराग्राफ टैग का स्टार्ट है और ये इस पैराग्राफ टैग का एंड है। तो स्टूडेंट्स, पेयर्ड टैग्स में हमारे पास पेयर्ड होते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होते हैं, और इसके बीच में हमने अपने सारे कंटेंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर्ड टैग्स, दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग एंड कंटेंट्स बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर टैग्स आते हैं। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, इसमें सिर्फ हमने इनको स्टार्ट ही बताना होता है और फिर इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। इस तरह से जिस तरह से यही लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश के साथ पी लिखा हुआ था, इसमें कोई फॉरवर्ड स्लैश वाला नहीं, सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग होता है। जैसे कि ये ब्रेक लिखा हुआ है या फिर ये हेडर लिखा हुआ है, कि अगर हम लोगों को एक रूलर लाइन ड्रॉ करनी हो तो इस तरह से हम लोग HR की एक टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी टैग की डेफिनेशन है। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स मीन प्रॉपर्टीज़। तो अब एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद टैग्स। हर टैग के साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी एसोसिएट हुई होती है। फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ अगर हम लोग एक देखते हैं कि एक टेक्स्ट का पैराग्राफ है, तो उसके अंदर फॉन्ट्स हो सकता है, फॉन्ट्स का साइज़ हो सकता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की और एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इस तरह की डिफरेंट हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद टैग्स, दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टैग्स, कि जो भी जो टैग होगा उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ईच एट्रीब्यूट इज़ गिवन अ वैल्यू, हर एट्रीब्यूट को कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे जैसे इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि पैराग्राफ टैग है और इसकी अलाइनमेंट उसने सेंटर्ड की हुई है, यानी वो पूरे का पूरा पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के या वेब पेज के सेंटर में होगा। तो ये इसका स्टार्ट और उसके बाद एंड, और बीच में ये कंटेंट्स जो हैं ये उसके कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट लग गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग आपको, मैंने पहले भी एक वेब पेज बनाना और इसको बनाने की असाइनमेंट दी थी, इसी तरह से ये एक और असाइनमेंट आपको अभी इस लेक्चर के एंड पे मिलेगी। हमारे पास सबसे पहले एक वेब पेज के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो HTML का पार्ट होता है, यानी पूरा वेब पेज HTML के टैग से स्टार्ट होता है और एंड उसका HTML के टैग पे ही होता है। स्टार्ट में HTML का टैग होगा, फिर हमारे पास होता है हेडर। हेड जो होता है वो हमारे वेब पेज का हेड होता है, जिसके अंदर टाइटल लिखा जाता है, जो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है। जैसे आप google.com ओपन करते हैं तो ऊपर उसकी टूल टाइटल बार के ऊपर भी लिखा आता है google.com। तो यहाँ पे हमारे पास HTML का टैग होगा, उसके अंदर हेड का टैग स्टार्ट होगा जिसके अंदर टाइटल होगा, और हेड का टैग ख़त्म हो जाएगा, और फिर बॉडी का टैग आएगा जो कि हमारा एक्चुअल वेब पेज होता है। तो स्टूडेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट बिगिन विद द HTML एंड एंड विद द स्लैश HTML टैग। इट इज़ टॉप लेवल टैग डैट कंटेन द होल कंटेंट्स, यानी ये ऐसा टैग होता है जिसके अंदर सारे के सारे कंटेंट्स ऑफ वेब पेज मौजूद होते हैं। तो ये इसकी भी स्टूडेंट डेफिनेशन यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म होती है। इस HTML के टैग के अंदर 2 तरह के सेक्शन मौजूद हैं, एक हेड का सेक्शन और दूसरा है बॉडी का सेक्शन। ये हमारे पास हेड के सेक्शन की डेफिनेशन है। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल,
और अदर इंफॉर्मेशन, यानी अगर मैं उसके ऊपर कोई CSS का स्टाइल लगाना चाहता हूँ या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो हेड के टैग के अंदर ही उसको लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद हेड टैग एंड एंड विद स्लैश हेड, और स्टूडेंट्स ये हमेशा बॉडी के टैग से पहले पहले ही एंड होगा। और ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर वो टाइटल का टैग यूज़ करते हैं, कि अगर मैं किसी वेब पेज का टाइटल कोई देना चाहता हूँ तो वो टाइटल के टैग में लिखेंगे। और फिर दूसरा सेक्शन है हमारे पास बॉडी का। बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, हमारे वेब पेज का जो एक्चुअल कंटेंट होता है, जिसने आपको लास्ट असाइनमेंट दी थी कि भाई एक वेब पेज बनाएं और उसमें अपना नाम और क्लास लिखना है, तो वो जो नाम और क्लास था वो आपके एक्चुअल कंटेंट्स थे जो वेब पेज में नज़र आने थे। तो अगर आप जो चीज़ विजिबल करना चाहते हैं उसको बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, तो दिस बॉडी टैग कंटेन द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज डेट आर विजिबल इनसाइड अ वेब पेज, दिस सेक्शन स्टार्ट विद अ बॉडी टैग एंड एंड विद अ स्लैश बॉडी। स्टूडेंट्स ये तीनों डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स की, हेड सेक्शन की और बॉडी सेक्शन की अच्छे तरीके से आपने याद करनी है। और उसके बाद ये जो एक्टिविटी दी हुई है कि एक वेब पेज बनाएं जिसका टाइटल हो इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, और फिर उस वेब पेज को सेव करना है pakistan.html के नाम से। स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट बना के आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। लास्ट टाइम भी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की थी। नेक्स्ट लेक्चर उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिन बच्चों की असाइनमेंट मेरे पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।